हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल जेबी सेज में। दोस्तों, आ गया है संडे और मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक बार फिर से एक यूज़फुल, बहुत ही उपयोगी वीडियो लेके। हाँ जी दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और उन छोटे बच्चों ने गद्दों पर या सोफ़े पर सुसू कर दिया है और उसकी वजह से स्मेल आ गई है गद्दों या सोफ़े पर और स्टेन्स आ गए हैं, दाग आ गए हैं, तो ये स्टेन्स और ये स्मेल आप कैसे दूर कर सकते हो बिल्कुल ही। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ही सिंपल उपाय जिससे कि आपके गद्दे हो या सोफ़े हो बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। इससे पहले दोस्तों, छोटा सा रिमाइंडर, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक प्लीज़ दबाना, एक अंगूठा ही दबाना है और बिल्कुल फ्री है वो, तो प्लीज़ अंगूठा ज़रूर दबा देना दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए। दोस्तों, अगर हमारे घर पे छोटे बच्चे हैं तो हम देखते हैं कि हम उन्हें कितना भी डायपर पहना लें, चाहे हम उन्हें कितना भी संभाल लें, लेकिन छोटे बच्चे हैं तो घर पे वो लोग सुसू करते ही करते हैं हर जगह। कई बार मैट्रेसेस गंदी हो जाती हैं हमारे सोफ़े भी कई बार गंदे हो जाते हैं, और कई बार हम देखते हैं कि मैट्रेसेस पे काफ़ी निशान आ जाते हैं और स्मेल की बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो दोस्तों, इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? आपने क्या करना है दोस्तों कि जिस भी जगह पर, चाहे वो सोफ़ा है चाहे वो मैट्रेस है, तो अगर वहाँ पे सुसू किया हुआ है बच्चे ने, आपने क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आपने उसमें विनेगर डाल देना है। हाँ जी दोस्तों, सिरका आपको कहीं भी मिलता है, आप सिरका ले लो और आप वो सिरका उतनी जगह पर जहाँ पर बेबी ने सुसू किया हुआ है, जहाँ पर वो दाग है या स्टेन है, स्मेल आ रही है, उसके ऊपर आपने सिरका डाल देना है। सिरका आप अच्छे काफ़ी मात्रा में डालिए, ऐसा नहीं कि आपने कम डालना है, मतलब अच्छे से आप उसको सिरके का छिड़काव अच्छे से कर दीजिए, और इसको ऐसे छिड़का करके, सिरके को छिड़काव करके 5-10 मिनट के लिए आप इसको ऐसे ही रख दीजिए दोस्तों। इसके बाद दोस्तों, आप क्या करिए, जो वो जगह है जहाँ पे आपने सिरका डाला है, जहाँ पे स्टेन है या स्मेल है, उसके सिरके के ऊपर आपने क्या करना है दोस्तों, बेकिंग सोडा लेना है। हाँ जी दोस्तों, आप कोई भी सोडा, बेकिंग सोडा ले सकते हो, खाने का सोडा भी आप ले सकते हो, एक तो खुला मिलता है बाज़ार में वो भी यूज़ कर सकते हो, अगर आप पैकेट वाला यूज़ करना चाहते हो वो भी यूज़ कर सकते हो। तो आप बेकिंग सोडा ले लो दोस्तों, और आपने क्या करना है कि वो जो बेकिंग सोडा है उसको सिरके वाली जगह पर या जहाँ पर भी वो स्टेन पूरा या स्मेल है, उसके ऊपर आपने काफ़ी सारा बेकिंग सोडा जो है उसको फैला देना है। और दोस्तों, जब आप देखोगे कि जब आप वो बेकिंग सोडा उसके ऊपर फैलाओगे, तो वो कई बार तो तुरंत ही देखने को मिलता है कि उसके छोटे छोटे से डलियाँ बनने लगती हैं। तो दोस्तों, बेकिंग सोडा और सिरका डाल के आपने उस जगह को या उस गद्दे को या सोफ़े को तकरीबन 7-8 घंटों के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप रात को ये कर लो ताकि आप सुबह उठ के सफाई कर सको, या आप सुबह की तरफ इसको, सिरके वगैरह को और इसको, बेकिंग पाउडर को आप डाल दो ताकि आप थोड़ी देर बाद, जब 7-8 घंटे बीत जाते हैं, अगर आप सुबह 7 बजे करते हो तो दोपहर की तरफ आप सफाई कर सकते हो। तो जब 7-8 घंटे आप इसको ऐसे रहने दोगे, आप देखोगे कि काफ़ी सारी डलियाँ सी बन जाती है बेकिंग सोडे की और वो जगह पूरी वाइट हो जाती है। उसके बाद दोस्तों, क्या करना है आपने, बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस है, आपने उसको झाड़ू से या कोई भी चीज़ से आपने उसको, उस जगह को या उस गद्दे को अच्छे से झाड़ देना है दोस्तों। तो जब आप इसको पूरा झाड़ दोगे कपड़े से, आप देखोगे हल्का सा वाइट से निशान इस पर रहते हैं सोफे या मैट्रेस पे, लेकिन वो विद इन तकरीबन दूसरे ही दिन वो भी चले जाते हैं। ये करने से दोस्तों, आप देखोगे कि एक तो जो निशान बना हुआ है, निशान पूरे निकल जाते हैं, आपके सोफ़े हैं वो बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं, और सबसे बड़ी बात, जो स्मेल होती है ना यूरिन की, बच्चे के सुसू की जो स्मेल होती है, वो भी बिल्कुल चली जाती है दोस्तों। तो अगर बच्चे की जगह कोई बड़ा भी हो, या इवन कुछ लोगों के घर पे डॉग्स भी होते हैं, डॉग्स की भी सुसू की यूरिन की प्रॉब्लम, ये अक्सर जो रखते हैं लोग पेट्स, वो फेस करते हैं, तो भी आप ये सेम प्रोसेस यूज़ कर सकते हो, और इससे आप देखोगे कि आपके जो गद्दे हैं या जो आपके सोफ़े वगैरह हैं, या इवन कारपेट अगर है, हालांकि कारपेट तो क्लीनिंग के लिए जा सकते हैं, लेकिन अगर कोई छोटा मोटा एक पोर्शन है जो गंदा हो चुका है, तो उस पर भी आप इसको बहुत ही इजी तरीके को यूज़ कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों, ये था आपके लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो, उम्मीद है आपको ये ज़रूर लाभमंद होगा, फ़ायदेमंद होगा आपके लिए, और प्लीज़ ऐसे ही जुड़े रहना, और अगले संडे फिर मिलते हैं एक और बहुत ही उपयोगी वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय एंड लव यू ऑल, और खुश रहिए।